और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की, जहां मानदेय न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्मियों ने बांसी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और हॉस्पिटल के भीतर मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर घंटों धरना प्रदर्शन किया। बाद में काफी समझाइश देने के बाद लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला खोला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में ताला बंद कर प्रदर्शन करने के अपने इस निर्णय के बारे में बताते हुए आशा कर्मचारी ने कहा कि मार्च में उन्हें सिर्फ 2,000 रुपए का भुगतान दिया और उसके बाद अभी तक किसी भी आशा कर्मी को पैसा नहीं मिला। आशा नैना दुबे ने बताया कि उनके वेतन के अलावा सरकार की जिन योजनाओं का लाभ उनके द्वारा महिलाओं और बच्चों को मिलना है उसका भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें क्षेत्र में तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इनका कहना है कि आशाओं से सिर्फ काम ही लिए जाते हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती। इतने काम के बावजूद अगर पैसा ना मिले तो फिर दिक्कत तो होगी ही। इनका कहना है कि कई बार उच्च पद पर बैठे अधिकारियों से भी बात की गई, लेकिन बजट ना होने की बात कहकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है। किस पद पे तैनात हैं? किन समस्याओं को लेकर आपने अस्पताल के गेट पे ताला लगाया है? जी हम आशा बहू के पद पे तैनात हैं। हमारा नाम नैना दुबे है, ग्राम महुआ कला से हैं। सर ताला इसलिए लगा है, मार्च महीने में जो भुगतान हुआ सिर्फ 2,000 का भुगतान हुआ है, उसके बाद से कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और फिर जो जेएसवाई करा रहे हैं उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। पीयर एजुकेटर का बच्चों का वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। अगर हम जाते हैं भीड़ में निकलते हैं तो लाभार्थी कहते हैं हमारा पैसा आशा खा गई है, वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कोई काम करने जाओ तो कहते हैं आशा आई है, अरे ये आई है जरूर पैसा लेगी। यहाँ करो कोई काम तो ये लोग कहते हैं अभी बजट नहीं है, बजट नहीं है तो बजट मैंने 5 महीने से काम कर रहे हैं तो बजट कहाँ चला जा रहा है, क्यों नहीं बजट है? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हमारा पैसा मिले, जेएसवाई पैसा मिले, बच्चों का पैसा मिले। जो काम कर रहे हैं काम का हमारा भुगतान तो होना चाहिए। एको दिन छुट्टी नहीं मिल रहा है, काम पे काम लिए जा रहे हैं तो भुगतान तो चाहिए हमें कि नहीं चाहिए? किसी के घर इसी के ऊपर बैठे हैं अगर तो बंदा कैसे खाएगा पिएगा? खेती आ गई, एडमिशन आ गया, बच्चों का क्या क्या आ गया, कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए? उच्च अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया है क्या? अधिकारियों को हम कई लोगों को पता आज बात कर रहे हैं, 8-8 दिन पे आके बजट आएगा डाल देंगे। पिछले सोमवार को भी आए थे नौगढ़ वाले, अधिकारियों को नहीं कराया हुआ। क्या नाम है आपका? किस पद पे हैं? क्या समस्या लेके आपने अस्पताल के गेट पे ताला मारा है? सर ये बसंतपुर बांसी ब्लॉक की आशा बहू है हम। यहाँ पे सर मार्च से अभी तक, मार्च में सिर्फ 2,000 पेमेंट हुआ था, उसके बाद अभी तक 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है। और इस पे हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बजट बता दीजिए कि मार्च अप्रैल में कितना बजट आया था, यहाँ पे 1 लाख आया, 10,000 आया, सिर्फ लिखित दे दीजिए कितना बजट आया था, हम लोग को संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन न लिखित दे रहे हैं, न कोई बजट बता रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं बजट नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, पैसा कहाँ गया? कितने दिनों से आप लोग ये धरना दे रही है? सर मार्च से ही बात कर करके थक गए, आज मजबूरन हमें ये धरना देना पड़ा। जिले के मुख्य अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया है? जी। क्या हुआ वहाँ पे? सर वहाँ पे यही कहा गया है कि आप लोग पता कीजिए, जो यहाँ पे बजट आया था बजट का ब्यौरा चाहिए हमें, कहाँ है बजट। वहीं इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीके अग्रवाल का कहना है कि इस प्रदर्शन के बारे में उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज से बात की है और वो लगातार आशाओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बजट ना होने से पूरे प्रदेश में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। इस महीने में ही बजट आ जाएगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। विराट 24 न्यूज के लिए सिद्धार्थ नगर से संवाददाता नियामतुल्ला की रिपोर्ट। सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में आशाओं ने प्रदर्शन किया है, मानदेय कई महीने से ना मिलने को लेकर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे जानकारी मिली इसके बारे में और मैंने वहाँ के अधीक्षक से बात किया है और मैंने कहा है अगर ज़रूरत हो तो मुझे आशाओं से बात कराइए। आशाओं को मानदेय या NHM में बहुत सारे कार्यक्रमों में इस समय बजट नहीं आया है, तो कुछ कुछ उनका बकाया हो सकता है, लेकिन केवल बसंतपुर की बात नहीं है, पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि बजट का अभी तो अभाव है, राज्य सरकार से अभी बजट नहीं आ पाया है पूरा। इसी महीने बजट आ जाएगा, मैंने कहा है। गेट की तालाबंदी की थी आशाओं ने, क्या खुला? हाँ खुल चुका है, बात हमारी खुल चुका है, आशाओं से बात की गई है,
मैंने उनको ऑफर दिया है कि अगर कोई आपको समस्या है, आप संतुष्ट नहीं है, तो 16 जुलाई को आकर मुझसे बात करें। तो मैंने उनको बुलाया बात करने के लिए, वैसे कोई बात नहीं है।